Assalamu alaikum dears. In this video we will learn how to multiply any number that starts with 1 and ends with any number. Simple mein kahun ke kisi bhi number ko aise number ke sath multiply karein jiska jo starting number ho wo 1 ho aur ending wala number koi bhi ho. Just like 2 ho sakta hai, 3 ho sakta hai, 4 ho sakta hai, koi bhi number ho sakta hai. जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जस्ट लाइक 1 2 है, 1 1 2 है, 1 1 1 2 है. तो यहाँ पर देखें स्टार्टिंग वाले नंबर्स जो हैं 1 है और एंड वाला नंबर 2 है. अब इस नंबर को, इन नंबर्स को किसी भी नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद इन 4 सेकंड, विद इन 2 सेकंड और 3 सेकंड, वो आप प्रैक्टिस पर आपके डिपेंड करता है. और इस सेम तरीके से 1 3 1 1 3 1 1 1 3 के को कैसे मल्टीप्लाई करें, etc अप टू 1 9 मल्टीप्लाई 1 9 और 1 1 9 एंड 1 1 1 9, इसको हम किसी भी नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलें सीखते हैं. इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर रिवाइज़ कराना चाहता हूं जो पहले मैंने मैजिक विथ नंबर 11 पे अपलोड किया था. वही सेम मल्टीप्लिकेशन विथ नंबर 11 के साथ जो हमारा प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस और प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे ये जो आज वाला लेक्चर है, लेकिन इसको मैं रिपीट कर लूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल 4 5 1 है और इसको अपने 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या किया था, सेम 4 5 1 को हमने सेम नीचे ला के रख दिया था और उसके बाद देखा था कि कितने नंबर ऑफ़ 1 है. यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ़ 1 है, तो उससे एक माइनस करके जितने नंबर बचेंगे उतने 0 हम फ्रंट और बैक साइड में रखते हैं. तो यहाँ पर 2 नंबर हैं तो हम 1 0 यहाँ पर रखेंगे फ्रंट में और 1 0 बैक साइड में रखेंगे इसके. अगर यहाँ पर 3 1 1 होते, जस्ट लाइक 111 होते, तो फिर हम क्या करते, 2 0 इसके फ्रंट में और 2 0 इसके बैक साइड पर रखते. ठीक है भाई, 0 लगा दिया. उसके बाद हमने क्या किया था कि एडिशन स्टार्ट किया था. एडिशन के लिए हमने क्या किया, क्या कर रहे थे कि देखते रहते कि यहाँ पर कितने नंबर हैं. अगर 2 नंबर हैं तो 2 नंबर्स को हम ऐड करते जाते हैं, और 3 नंबर होते थे तो फिर 3 नंबर को हम ऐड करते जाते थे. तो यहाँ पर देखें 2 नंबर हैं तो फिर 2 नंबर को हम ऐड करेंगे कैसे, 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे, फिर 1 को 5 के साथ ऐड करेंगे, फिर 5 को 4 के साथ, और इस तरीके से 4 को 0 के साथ ऐड करेंगे. सो 0 + 1 विल बी इक्वल टू 1, 1 + 5 विल बी इक्वल टू 6 एंड 5 + 4 विल बी इक्वल टू 9 एंड 4 + 0 विल बी इक्वल टू 4. अप्रोक्सीमेटली इस जो आंसर है दैट विल बी 4961. कैसे किया हमने इसको कि भाई 0 को 1 के साथ ऐड किया और उसके बाद हमने 1 को 5 के साथ ऐड किया और 5 को 4 के साथ ऐड किया और 4 को 0 के साथ ऐड किया, तो हमारा ये आंसर सिंपली निकल आया. इसी तरीके से अब जो यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है, हम जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 1 2 1 1 2 और 1 1 1 2. ये सीख लिया आपने, तो बाकी जो भी अदर डिजिट्स हैं जस्ट लाइक 1 3 1 1 3 एंड 1 1 1 3 या 1 4 हो या 1 5 हो, 1 6 हो या अप टू 1 1 9 हो, जितने भी नंबर हो वो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन आपका आप ट्रिक सीख जाओगे. जस्ट लाइक अब कैसे करेंगे हम, 4 5 1 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना हो तो कैसे करेंगे हम, 4 5 1 तो सेम नीचे ला के रखेंगे जैसे 11 में करते थे. उसके बाद देखेंगे कि भाई यहाँ पर कितने डिजिट हैं, उससे एक कम डिजिट पे हम फ्रंट में 0 और बैक साइड पे 0 लगाएंगे. जैसे यहाँ पर देखें 2 डिजिट हैं तो हम 1 0 यहाँ पर रखेंगे और 1 0 यहाँ पर रखेंगे. 3 डिजिट होते तो 2 0 और 2 0 लगाते. अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 2 को हम ऐड करेंगे, जैसे 0 को 1 के साथ, 1 को 5 के साथ, 5 को 4 के साथ और 4 को 0 के साथ. यहाँ तक तो सेम हमारा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, लेकिन जो चेंजिंग है वो क्या है कि जब आप यहाँ 0 को 1 के साथ आप ऐड करोगे तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है 0 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और उसके बाद आप 0 के साथ ऐड करोगे. 1 को 0 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और फिर 0 के साथ ऐड करोगे. इसी तरीके से जब 1 और 5 को आप ऐड करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर है, उसके बाद 1 के साथ ऐड करोगे. और सेम तरीके से 5 और 4 है तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर 5 के साथ ऐड करोगे. इसी तरीके से 4 और 0 को जब करना चाह रहे हो तो 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद ऐड करोगे 4 के साथ. यही सेम ट्रिक फॉलो होता है हर चीज़ के लिए. यहाँ पर 1 3 होता तो मल्टीप्लाई बाय 3 करते, 1 4 होता तो मल्टीप्लाई बाय 4 करते, 1 5 होता तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 5 5 करते जाते. सेम ट्रिक हर चीज़ हर डिजिट के लिए फॉलो होगा. अब यहाँ पर करते हैं
इसको ऐड करते जाते हैं, वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ और दैट विल बी इक्वल टू टू, और टू प्लस ज़ीरो विल बी इक्वल टू टू। उसके बाद फाइव और वन है तो फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ, दैट विल बी टेन, टेन प्लस वन विल बी इक्वल टू इलेवन। तो वन यहाँ पर रखेंगे और वन ऊपर रख देते हैं, जो नेक्स्ट डिजिट आएगा उसके साथ ऐड करेंगे। अब करेंगे हम फाइव और फोर को, तो फोर को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ, फोर मल्टीप्लाई बाय टू विल बी इक्वल टू एट, एट प्लस फाइव विल बी इक्वल टू थर्टीन, थर्टीन। और यहाँ पर एक जो ऊपर हमने रखा था वो यहाँ पर देखें ना, एक ऊपर रख दिया था, उसके साथ हम थर्टीन को एक के साथ ऐड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू फोर्टीन, फोर्टीन है तो एक ऊपर रख देंगे। अब जो डिजिट बचाया है दैट इज़ फोर एंड ज़ीरो, तो ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ तो सेम ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो प्लस फोर विल बी इक्वल टू फोर। बाकी जो एक डिजिट है यहाँ पर ऊपर रख दिया है, इसके साथ ऐड करेंगे, दैट विल बी फाइव, फाइव फोर वन टू इज़ दी आंसर। बस ट्रिक यही है कि जहाँ जितना डिजिट होगा उतनी हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट डिजिट के साथ। सो फोर फाइव वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व विल बी इक्वल टू फाइव फोर वन टू, दैट इज़ द आंसर। सेम यही प्रोसीजर हम इसके लिए फॉलो करेंगे, दैट लेट मी शो यू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिक्स टू थ्री मल्टीप्लाई बाय वन वन टू। यहाँ पर देखें ना, फोर फाइव मल्टीप्लाई बाय वन टू या वन थ्री वन फोर आप सिंपल तरीके से भी करते हो, लेकिन मसला तब आता है जब आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन वन टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन 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 टू इसके इस तरीके का कोई आपके पास प्रॉब्लम आता है। सो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखें, सिंपली सिक्स टू थ्री को हम नीचे ला के रखेंगे और फिर देखेंगे कि कितने नंबर हैं, उतने उससे एक कम नंबर हम ज़ीरो ज़ीरो लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखें तीन नंबर हैं तो दो दो ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पर दो ज़ीरो लगा दिया और यहाँ पर भी दो ज़ीरो लगा दिया फ्रंट और बैक में। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर हैं, तीन नंबर हैं तो तीन नंबर का एडिशन करते जाएंगे। देखिए ना, ज़ीरो से लेकर यहाँ तक तीन तक हम ऐड करेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर तीन से लेकर छः तक ऐड करेंगे, फिर ये हो गया ये हो गया, और उसके बाद टू से लेकर ज़ीरो तक ऐड करेंगे, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। लेकिन जब ज़ीरो से लेकर तीन डिजिट को हम ऐड करेंगे तो उससे जो थर्ड नंबर आएगा उसके साथ हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम तरीका जो प्रीवियसली हम फॉलो करके हैं। फिर जो थ्री और टू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सो अब करते हैं इसको, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस चीज़ कहाँ से लेकर कहाँ तक हम इसको ऐड करने जा रहे थे, ज़ीरो से लेकर थ्री तक। तो थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू विल बी इक्वल टू सिक्स, सिक्स प्लस ज़ीरो विल बी ऑल इक्वल टू सिक्स। फिर ज़ीरो थ्री और टू को हम ऐड करेंगे तो टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ, दैट विल बी फोर, फोर प्लस थ्री विल बी इक्वल टू सेवन, एंड ऑल्सो ज़ीरो विल बी इक्वल टू सेवन। सो ये हो गया। और उसके बाद क्या है, थ्री टू एंड सिक्स, फिर थ्री टू एंड सिक्स है तो सिक्स के साथ हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू विल बी इक्वल टू ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू विल बी फोर्टीन, फोर्टीन प्लस थ्री विल बी इक्वल टू सेवनटीन। सो सेवनटीन यहाँ पर रखेंगे, और सेवनटीन है तो एक डिजिट हमारा बच गया, दैट विल बी उसको हम ऊपर रखेंगे। उसके बाद टू सिक्स एंड ज़ीरो है तो टू सिक्स एंड ज़ीरो को हम जब ऐड करने जा रहे हैं तो ज़ीरो के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे टू को, तो सेम आएगा ज़ीरो आएगा, ज़ीरो प्लस सिक्स प्लस टू विल बी इक्वल टू एट, और एट है। और उसके बाद यहाँ पर एक डिजिट हमने ऊपर रख दिया था, दैट विल उसको हम ऐड करेंगे, एट प्लस वन विल बी इक्वल टू नाइन। अब कौन सा बचा है, सिक्स ज़ीरो एंड ज़ीरो बचा है तो हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू, तो सेम आएगा टू प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस सिक्स विल बी इक्वल टू सिक्स। सो ये हमारा आंसर है, सिक्स टू थ्री मल्टीप्लाई बाय वन वन टू। इस तरीके से अगर आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो विद इन सेकेंड्स आप ईजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दैट इज़ द ईजी प्रोसीजर, लेकिन सेम प्रोसीजर है जो मल्टीप्लीकेशन हुआ था नंबर के साथ, एलेवन नंबर एलेवन के साथ मैंने आपको सिखाया था, ये सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे तो ईजीली आप इसको कर सकते हो। इसको आप भले कैलकुलेटर के साथ आप मैच करके देखें तो सेम नंबर आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चलते हैं कि भाई हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ नंबर स्टार्टिंग विथ वन एंड एंड्स विथ विथ एनी नंबर, जैसे ये है वन फोर है, वन सिक्स है, वन सेवन है, वन एट है, वन वन सिक्स है, वन वन एट है, ई टी सी। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो इसमें हम फॉलो करके आए हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये टू ना होता, यहाँ पर होता फोर,
तो हम क्या करते यहाँ पर सिंपली जिसके साथ टू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर फोर के साथ मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर फोर के साथ मल्टीप्लाई करते, इसको फोर के साथ मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पर 114 नहीं 116 होता तो हम क्या करते यहाँ पर 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते, 63 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 प्लस 0, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते सिंपली। यही प्रोसीजर है और यही ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। एक बार इसको 451 मल्टीप्लाई बाय 14 को मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेना। 451 होगा और यहाँ पर दो डिजिट है तो 01 आएगा, यहाँ पर 00 कर दिया हमने और यहाँ पर दो डिजिट है तो दो दो को हम ऐड करेंगे लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ। सो 0 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 1 और 5 को जब ऐड करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 5 और 4 को जब ऐड करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और 4 को 0 के साथ जब ऐड करेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी 20, 20 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 21, सो 2 हम ऊपर रख देंगे, और 5 प्लस 4 लेकिन 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो दैट विल बी 16, 16 प्लस 5 विल बी इक्वल टू दी 21, और यहाँ पर फिर 2 है तो दैट विल बी 21 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 23, सो 3 यहाँ पर रखेंगे और 2 इसके ऊपर रख देंगे, और अब इसको करेंगे 4 और 0 के साथ तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा और उसके साथ 4 को ऐड कर देंगे दैट विल बी 4, लेकिन यहाँ पर 2 हमने रिमेनिंग रख दिया था उसके साथ ऐड कर देंगे, 4 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 6। आंसर ऑफ 451 मल्टीप्लाई बाय 14 इज द 6314, 451 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 6314 द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करें। सो कहने का मतलब ये है, ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ वो सिर्फ यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है उसका डिजिट हम चेंज कर देते हैं। 6 होगा तो यहाँ पर 6 रखेंगे और 9 होगा तो यहाँ पर 9 रखेंगे, etc, दैट इज़ दी ट्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई, होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और नेक्स्ट ट्रिक इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।